हेलो एवरीवन, आज मैं फ्रिज ऑर्गेनाइजर के लिए एक बहुत ही अच्छा सामान मंगाई हूँ। देखिए, पहले फ्रिज इस टाइप से होता है, झिल्ली में भर भर के सामान रखते हैं, हमें ढूंढने में बड़ा परेशानी होता है, दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी इंटरनेट पर वायरल हो रहा था एक प्रोडक्ट, तो मुझे भी लगा कि मैं भी इसे मंगा लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज है जो है थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और कोई भी सामान ढूंढने में हमें आसानी हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर मेरा पार्सल तो आ गया है, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये अगर आप भी इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से मंगा सकती हैं। तो ये 6 का पैक है दोस्तों, यहाँ पे 6 का सेट आया है, चाहे तो आप 4 का सेट भी ले सकते हैं, 8 का भी, 12 का भी, तो सभी का लिंक मैं आपको दे दूंगी, जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं। मेरे फ्रिज में मैं अभी 6 वाला मंगाई हूँ, बाद में हो सकेगा तो बाद में और मंगा लूँगी, पहले मैं देखना चाह रही थी कि कैसा रहता है इसलिए मंगाई हूँ। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका प्लास्टिक भी अच्छा दिख रहा है और 6 का सेट है, तो देखिए ढक्कन सब अलग है और यहाँ अंदर में इस टाइप से जाली वाला प्लेट टाइप से लगा होता है, जिसके कारण से अगर सब्जियों में कुछ पानी वगैरह एक्स्ट्रा है तो वो नीचे हो चला जाता है, जिससे कि सब्जी जो है ताज़ा फ्रेश रहता है और ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो चलिए, डब्बे में यहाँ पे झिल्ली में, देखिए मैंने मिर्ची लाया था उसमें झिल्ली में बंद करके रखी थी, तो इसमें मैं डब्बे में डालती हूँ। करीब इसमें मैं एक पाव मिर्ची लाई थी, वो इतना आ गया है और इसे बंद कर देती हूँ। वैसे ही देखिए, मैंने नींबू भी लाया था, नींबू को भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और इसे भी डायरेक्ट डब्बे में डाल देती हूँ। ऐसे ही सारी सब्जियों को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, फिर मैं फ्रिज में आपको जमा कर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, करेला लगभग आधा किलो के लगभग था, वो भी डब्बे में आ गया। और ये देखिए, ये जो है वो भी आधा किलो है, ये भी डब्बे में आ गया है। कुछ खीरा है, कुछ खीरा तो एक किलो था, तो आधा किलो इसमें आ गया, आधा जो बचा उसमें जो दूसरे पॉलिथीन में डाल दूंगी। और ये देखिए, ऐसे ही सारे सब्जियों को हम यहाँ पे जमा लिए हैं। तो इसे क्या होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो आसानी से आपको दिख जाएगा कि आपको क्या चाहिए और आप उसी को ही निकाल कर अपना इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, फ्रिज का जो नीचे खंड है, मैं इसमें रख रही हूँ सब्जियों को जमा कर, चाहे तो आप ऊपर में भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक साइड में आ गए इसके लंबाई के अनुसार, और सभी को मैं ऐसे ही जमा देती हूँ। तो ये देखिए, 3 डब्बा तो हो गया है, ये चौथा हो गया, पाँचवा, छठवा, मतलब 6 डब्बा मेरे एक साइड में आ गया है, 3-3 करके, ये देखिए। और दूसरा साइड में थोड़ा सा जगह बचा है, तो यहाँ पर मैं गिल्ली में करके यहाँ पे टमाटर रख देती हूँ, और ये देखिए जीप लॉक जो बैग है उसमें डाल के बचे हुए खीरे को डाल दी हूँ, और यहाँ पे केला है, तो सभी जो भी सब्जी है उसे ऐसे जीप लॉक बैग में भी आप डाल कर रख सकते हैं, जिससे कि दिखता भी है कि क्या रखा है। और ये देखिए, अब देखिए फ्रिज कितना अच्छा दिख रहा है, तो आप भी इसे मंगा सकते हैं। तो देखिए, फ्रिज अब कितना अच्छा दिख रहा है देखने में, सब्जी भी अच्छा दिख रहा है, इस डब्बे को आप धो भी सकते हैं और ऐसे ही जमा कर रख सकते हैं, देखने में आसानी रहेगा, यूज़ करने में भी आसानी रहेगा। तो है ना कमाल की प्रोडक्ट, अगर आप चाहते हैं इसे मंगाना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। आपको कैसा लगा ये वाला प्रोडक्ट मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि अच्छा ही है, क्योंकि बार बार हमें झिल्ली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में।